डिफाइन करेंगे तो क्या रूल है क्या ये नहीं बोलो है मैंने ना वो कि वीडियो इसलिए तुम्हारे। बनाए थे काबा शरीफ से के देखो रो रो के कि ये खुदा हे मेरे दोस्तों हे मेरे दुनिया वालों, मैं काबा शरीफ को साक्षी रख के बोल रही हूं कि मैं 1% भी कहीं से भी गलत नहीं हूं। मैं याद रहे आज से कुछ टाइम पहले जब राखी सावंत उमरा करने गई थी, तो राखी सावंत ने अपने सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर और वीडियो अपलोड की थी, जिनको देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी राखी सावंत को ट्रोल किया और काफी मुसलमान राखी सावंत पे गुस्सा नजर आए। मुसलमानों के नजदीक राखी सावंत जो काबा शरीफ में कर रही है ये सब ड्रामा है और राखी सावंत को चाहिए वो काबे का एहतराम करते हुए वहां पर इस तरह की नौटंकी ना करे। यहाँ पर अगर बात की जाए राखी सावंत के साथ आए लाइव उनके एक्स हस्बैंड रितेश सिंह और रितेश सिंह ने उन लोगों को क्या कहा जो राखी सावंत को ट्रोल कर रहे थे उनके उमरा को लेकर। आप रितेश सिंह की ये वीडियो देखें। तो लोग कहते हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि ड्रामा है, वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि धर्म के ठेकेदार, वो लोग डिफाइन करेंगे क्या रूल है क्या नहीं है। मैंने वो वीडियो तुम्हारे बनाए थे काबा शरीफ से देखो रो रो के ये खुदा हे मेरे दोस्तों हे मेरे दुनिया वालों, मैं काबा शरीफ को साक्षी रख के बोल रही हूँ कि मैं 1% भी कहीं से भी गलत नहीं हूँ। मैं एक नहीं, बात उसका बोलूंगा। उसका अलग भी थीम है। देखो, जैसे मैं कभी आज तक मक्का ना गया हूं ना मैं जाऊंगा, ठीक है, बट मेरे लिए भी वो पवित्र जगह दिख गई ना। तो ऐसे बहुत सारे मैं लोग मुस्लिम मुस्लिम में भी होंगे जो अफोर्ड नहीं कर मैं सकते। बताऊं लेट मी मक्का कंप्लीट मदीना में लेट मी शांति से सोई कंप्लीट हूं मैं, तो एटलीस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां उसको देख नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट तुमने जो दिखाया है सब लोगों को, अगर एटलीस्ट लोग जो जा नहीं पाते हैं देख तो सकते हैं ना अरे यार, तो रितेश कहां से गलत नहीं थी। वो छोड़ो, खबर मिली है कि वो वहां पे जा रहा है, सऊदी जा रहा है, ये मालूम करने के वापस से लिए बात सुनो, कर उसको बोल रहा है कि राखी मैं सावंत न्यूज़ को देखता सुनो हूँ। यार, सुनो रितेश सुनो, वो सऊदी जा रहा है इसीलिए ये मालूम करने कि राखी सावंत कौन से वीजा पर आई है, क्यों आई है। अरे बेशरम, अरे तूने इस्लाम कबूल कराया, अरे ये शुक्र कर भाई कि यही मुझे खुदा ने यही एक बुलाया। अच्छा काम किया उसने, यही एक अच्छा काम एक किया। सेकंड एक सेकंड, उसको बहलाओ, पहले इंडियन गवर्नमेंट से सुलझ ले अपने मैटरों में, तेरे मैटर में बाद में जाए। हाँ, उसको उससे कहो इतनी पहले पहले इज्जत, पिछवाड़ा तो बचा ले फिर आगे बढ़े ना, उसको तो क्लियर करो, अरे अभी तक बात नहीं कर भाई, दिया। लेकिन लेकिन सही, ये अफसाना का गाना जो है ना बहुत फिट बैठता है। मैं अपने लाइव में भी बोला, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ये बंदे को खुद ही सेंस नहीं है। मैं दुबई पता नहीं गवर्नमेंट से जी बात कौन करूंगा, सा मैं नशा इसका करता है यार, मेरा हर एक से ये धोखा पता करता नहीं दुबई। जैसा कि आपने वीडियो देखी, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।